बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इंसर्ट और फिर इंसर्ट में हमने वो जो हमारे पास इलस्ट्रेशन सेक्शन होता है उसमें हमने वो काम की कि हमने किस तरह शेप्स इंसर्ट करना है, किस तरह आइकन इंसर्ट करना है, किस तरह 3D मॉडल इंसर्ट करना है, स्मार्ट आर्ट चार्ट वगैरह इंसर्ट करना है। इसमें एक लास्ट ऑप्शन रहता है, इसको हम कहते हैं स्क्रीन शॉट। तो स्क्रीन शॉट का ये मतलब है कि फ़र्ज़ कर लिया अगर यहाँ पर आपने कोई चीज़ मतलब यहाँ पे ओपन किए कि मर्ज कर ले हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है या कुछ इमेज है, हमने इससे पिक्चर या कोई इस तरह एलिमेंट हमने क्या करना है, कैप्चर करना है और हमने फिर यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है। तो इस स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर ले। स्क्रीनशॉट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो मेन्यू आता है वो बिल्कुल जो सिल्वर कलर का मतलब इसको हम ब्लर भी कह सकते हैं या इससे अब इससे आपने क्या करना है, एरिया को आपने सेलेक्ट करना है। ये हमारे पास जो कर्सर का जो स्टाइल है वो हमारे पास प्लस साइन है। तो ये आपने इस तरह सेलेक्ट करना है एरिया को और फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको इधर आपने इंसर्ट करना है। तो जब भी आप इसको क्रॉप करें तो हमारे पास बहुत बहुत यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। बाकी आप जिस पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारे पास जो पिक्चर के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है वो फंक्शंस है वो हमारे पास ओपन हो जाते हैं इधर। और ये हमने यहाँ पे इस पिक्चर में हमने वो डिस्कस किया कि हमने किस तरह इसको क्या करना है, डिज़ाइन करना है या एडजस्ट करना है, स्टाइल वगैरह सब कुछ हमने वो किए। तो ये हमारे पास होता है स्क्रीनशॉट। अब हम आते हैं एड्स इन की तरफ कि एड्स इन से क्या मुराद है। एड्स इन से ये मुराद है कि आपने यहाँ पे जो फर्ज़ कर लिया विकिपीडिया से आपने कोई चीज़ यहाँ पे इंसर्ट करना या कोई सारा आपने वर्ड सर्च करना या हमारे पास यहाँ पे फर्ज़ कर लिया हमारे पास ये इस तरह एड्स इन है कि हमने यहाँ पे जब वो एक ट्रस्ट मतलब हम इसका ये मतलब है कि आप इसको ट्रस्ट कहते हैं तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास ये ऑप स्टोर एंड एड्स न्यू कैपेबिलिटी टू ऑफिस। तो यहाँ पे हमारे पास सब कुछ जो आपने जितनी भी सकत हो फिर हमारे पास इससे यहाँ पे हमारे पास फाइंड होता है या जिस तरह आपने कोई चीज़ कोड करना है मतलब जो यहाँ पे हमारे पास वो इमेजेस के ज़रिए तो हमारे पास वो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इससे। ठीक है, गेट ब्राउज ऐप है हमारे पास कुछ यहाँ पे हमने अगर आपने ब्राउज मतलब जो एड्स इन आपने ब्राउज करना है तो इसमें आप जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो स्टोर है ऐप स्टोर में तो इसमें हमारे पास वो एड्स इन मौजूद है कि आपने किस तरह कम्युनिकेशन है या डॉक्यूमेंट्स पे करें तो आपने कौन सा सॉफ्टवेयर मतलब जो इस तरह के सॉफ्टवेयर हमारे पास होते हैं या ब्राउजर्स होते तो आपने किस कौन सा वाले यहाँ पे आपने ऐड करना है तो फिर हमारे पास वो एड्स इन से हम कर सकते हैं। फिर माई एड्स इन से ये मतलब कि आपने मतलब सिस्टम से आपने क्या करना है, इससे जो एड्स इन आपने फर्ज कर लिया ऑलरेडी आपने यहाँ पे ऐड किया तो फिर हमारे पास वो एड्स इन यहाँ पे होंगे तो इसको हम क्या कहते हैं माई एड इंस। तो इसका ये मतलब कि एड इंस्टेंस मतलब जो आपने दूसरे सिस्टम से जो मतलब एड्स ऐड किए तो फिर वो हमारे पास माई एड्स इन में होगा। ठीक है, फिर हमारे पास होता है मीडिया। मीडिया में है ऑनलाइन वीडियो। तो ऑनलाइन वीडियो का ये मतलब है कि आपने मतलब इंटरनेट से जो वीडियो आपने यहाँ पे ऐड करना है तो इसको हम क्या कहते हैं ऐड इन कहते हैं। फ़र्ज़ कर लिए मैंने यहाँ पे कोई मतलब जो यूआरएल होता है फ़र्ज़ कर लिए मैंने गूगल क्रोम ओपन करना है या इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है या सफारी ओपन करना है, मोजिला फायरफॉक्स है, यूसी ब्राउज़र है, ओपरा मिनी वगैरह जितने हमारे पास ब्राउज़र होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फ़र्ज़ कर ले ये एक लिंक है तो मैंने क्या करना है इसको मैंने कॉपी करना है और फिर यहाँ पे मैंने क्या करना है यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है और फिर आपने इंसर्ट करना है तो यहाँ पर हमारे पास वो क्या हो जाते हैं इंसर्ट हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ऑनलाइन वीडियो। तो ऑनलाइन जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपके पास वो ऑनलाइन वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है वही ऑनलाइन लिंक है। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होता है ये लिंक ओपन हो जाता है जो हमारा यहाँ पर हमारे पास ओपन है ये वाला लिंक, इसको हम क्या कहते हैं ऑनलाइन वीडियो लिंक देते हैं। फिर हमारे पास है यहाँ पे लिंक्स होता है, बुकमार्क्स होता है, क्रॉस रेफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है लिंक को डिस्कस करने का है, लिंक से क्या मुराद है। तो लिंक बेसिकली हमारे पास दो की तरह के लिंक्स होते हैं, एक होता है ऑनलाइन लिंक्स, दूसरा हमारे पास होता है ऑफलाइन लिंक्स। तो ऑनलाइन लिंक्स का क्या मतलब है, ऑनलाइन लिंक तो हमने किस तरह इसको क्या करना है मतलब ऑनलाइन लिंक इसको देना है तो ये हमारे पास होता है ऑनलाइन लिंक। तो ऑनलाइन लिंक इसका अगर आपने कोई यहाँ पे लिंक ऐड करना है ऑनलाइन तो इसका शॉर्टकट ही हमारे पास होता है कंट्रोल प्लस के। तो यहाँ पे आपने क्या करना है लिंक को आपने यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पर हमारे पास है टेक्स्ट टू डिस्प्ले, आपने डॉक्यूमेंट में किस मतलब कौन सा टेक्स्ट आपने डिस्प्ले करना है इसके ऊपर आप लिंक लगाना चाहते हो। फर्स्ट के लिए मैंने कहना कि गूगल,
तो गूगल आप यहाँ पे लिख लें और यहाँ पे आपने क्या करना है, इसका एड्रेस आपने लिखना है। तो एड्रेस का क्या मतलब है, जब भी अगर आपने ऑनलाइन एड्रेस नहीं लिखना है तो इसके साथ आपने क्या करना है, HTTPS आपने मेंशन करना है। और HTTPS के बाद डबल फॉरवर्ड स्लैश www.google.com, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ऑनलाइन लिंक हो गया, तो वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। अभी हमारे पास टेक्स्ट डिस्प्ले गूगल हो रहा है, लेकिन इसके जब आप इसके कर्सर यहाँ पे लाएंगे तो इसका हमारे पास शोर के इसका लिंक क्या है, हमारे पास www.google.com, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका लिंक हो गया, लेकिन ये हमारे पास क्या होता है, ऑनलाइन लिंक्स होता है। दूसरा हमारे पास होता है ऑफलाइन लिंक। तो ऑफलाइन लिंक का क्या मतलब है, ऑफलाइन लिंक का ये मतलब है कि आपने सिस्टम से आपने क्या करना है, इसको लिंक देना है। कि फर्ज कर ले मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और मैंने यहाँ पे मैंने लिखना है कि माई CV, ठीक है। तो माई CV मैंने क्या करना है, मैंने इसको यहाँ पे सिस्टम से मैंने क्या करना है, इसको एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज का क्या मतलब है कि आपने ऑनलाइन लिंक इसके साथ अटैच करना है, या आपने सिस्टम से मतलब अपने सिस्टम से आपने इसको क्या करना है, लिंक करना है। तो मैंने इस पर क्लिक करना है और फिर आपने यहाँ पे जो हमारे पास क्या होता है, जितनी भी हमारे पास यहाँ पे लुक इन, तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो हमारे पास क्या होता है, डेस्कटॉप होता है, या आपके पास जितनी भी फर्ज कर ले मेरे पास दिस PC आपके सिस्टम के अंदर जो पार्टीशन होते हैं, आपने इसमें लुक सर्च करना है, या डेस्कटॉप से मतलब जहाँ पर आपके पास फाइल पड़ा हुआ है तो आपने इससे क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। तो फर्ज कर ले मैंने यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करना है, तो इसको ओके कर ले, तो ये हमारे पास इसके साथ लिंक हो गया। अच्छा, जब आपने ये ऑनलाइन लिंक ओपन करना है तो कंट्रोल प्रेस कर ले और इसके ऊपर फिर क्लिक कर ले, तो आपके पास वो गूगल वाला लिंक ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ये ऑनलाइन लिंक ऑफलाइन लिंक ओपन करना है तो फिर आपने किस तरह करना है, यहाँ पे आपने इस पे कंट्रोल और कंट्रोल के बाद यहाँ पे भी इशू हो रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक, तो आपने फिर किस पे क्या करना है, क्लिक करना है। तो हमारे पास वो क्या हो जाता है, येस कर ले, तो हमारे पास वो जो सिस्टम के अंदर जो फाइल हमारे पास है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह के लिंक्स आपने ऐड करने हैं और इस तरह फिर आपने क्या करना है, मतलब ओपन करना है। अच्छा, एक होता है ईमेल लिंक, कि आपने किस तरह ईमेल लिंक करना है, तो फिर कंट्रोल प्लस के और यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस मेंशन करना है, ठीक है। टेक्स्ट टू डिस्प्ले आप फर्स कर ले माई ईमेल लिख ले, या जो आपने फर्स कर ले हमारे पास जो अपना ईमेल होता है, फर्स कर ले usman.099@icloud.com, फर्स कर ले हमारे पास क्या होता है, ये टेक्स्ट होगा। इधर आपने ईमेल भी मेंशन करना है, तो कंट्रोल सी कर दे और इधर वी कर दे, और फिर आपने क्या करना है, ओके कर ले, तो हमारे पास वो इधर लिंक मतलब जो इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपने इसको क्या करना है, चेंज करना है, तो फिर आपने ये वाला यहाँ पे आप लिख लिया माई ईमेल, तो फिर हमारे पास माई ईमेल शो होगा उधर, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या होगा, माई ईमेल इधर शो होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो ईमेल वाला जो हमारे पास होता है, आपने एक गूगल क्रोम के साथ ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट या आउटलुक वगैरह जितनी भी है, तो मेल के साथ, तो आप हमारे पास क्या होता है, इसके साथ मेल वाला जो हमारे पास क्या होता है पोर्शन होता है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास तीन किस्म लिंक, एक होता है ऑनलाइन लिंक जिसको हम मतलब आपने ऑनलाइन एड्रेस इसके साथ अटैच करना है, ऑफलाइन लिंक आपने सिस्टम के साथ या दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ आपने क्या करना है, इसको साथ अटैच करना है, तो इसके साथ क्या कहते हैं, ऑफलाइन लिंक से। एक होता है ईमेल लिंक, आपने इसके साथ ईमेल अटैच करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है लिंक्स। फिर हमारे पास होता है कमेंट्स। तो कमेंट्स का ये मतलब है कि फर्स्ट के लिए इज इक्वल टू रैंड, और मैंने यहाँ पे कितने, ये हमारे पास क्या होते हैं, पैराग्राफ्स होते हैं, मैंने कमेंट्स मेंशन करना है। तो कमेंट्स का क्या मतलब है कि फर्स्ट कर ले मैंने ये वाला पॉइंट इसको पेस्ट, या फर्स्ट कर ली वीडियो इसको सिलेक्ट कर लिया इस तरह, और फिर आपने कमेंट्स पे क्लिक किया, तो आपने यहाँ पे इसको कमेंट्स को ऐड करना कि वीडियो से क्या मतलब है। तो फर्स्ट कर ले यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हो, तो फर्स्ट कर ले बोले कि मतलब जो इस वर्ड्स के साथ जितनी भी, फर्स्ट कर ले अगर आपके पास ऐसा डॉक्यूमेंट है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाए, तो इसका आपने क्या करना है, प्रॉपर डिफिनेशन लिखना है, या मतलब इसको आपने एक्सप्लेन करना है, तो फिर आप इधर से वो कर सकते हैं। तो इधर फर्स्ट कर ले जो भी आपने लिखना चाहते हैं, तो फिर वो यहाँ से आप इसको मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कमेंट्स। तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो इसके साथ डायरेक्ट मतलब जो क्या होता है, हाईलाइट हो जाती है इसका, इस कमेंट्स का मतलब इस ये वर्ड का मीनिंग है इधर, या इसके डिटेल्स इधर हमारे पास क्या होते हैं मेंशन। फर्स्ट के लिए प्रोफेशनली है, तो इसको भी सिलेक्ट कर ले, और फिर आपने क्या करना है, कमेंट्स पे क्लिक कर, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, ये इसके साथ मतलब कमेंट सेक्शन है। तो जब भी आप इसके ऊपर कर्सर लाएंगे, तो फिर आपके पास वो लिंक ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है लिंक्स होता है, और इसको हम
जिस तरह हमने स्क्रीनशॉट की, एड्स इन हमने किए कि किस तरह आपने यहाँ पे ऐड करना है, माई एड्स इन क्या होता है, विकिपीडिया को क्या होता है, ऑनलाइन वीडियो आपने किस तरह ऐड करना है, लिंक्स आपने किस तरह ऐड करना है, ठीक है, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कहेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।